हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचूरियन। तो इसमें हम क्या क्या डालेंगे इसको देख लेते हैं। ये हमने फाइनल चॉप पत्ता गोभी लिया है, ग्रेटेड गाजर है, अनियन है, स्प्रिंग अनियन है, शिमला मिर्च है, ग्रीन चिली, कुटी हुई काली मिर्च, ये मैदा है, कॉर्नफ्लोर, अदरक लहसुन का पेस्ट है, टोमेटो केचप है, सोया सॉस, ग्रीन चिली, रेड चिली पेस्ट। अच्छा, ये हमने बाउल लिया। अब इसमें एक प्याला हमारी ये पत्ता गोभी है, इसको डालेंगे और इसमें डालेंगे गाजर। गाजर हमने एक गाजर लिया है, उसको ये ग्रेट कर लिया हमने। गाजर डाल दिया इसमें। शिमला मिर्च डालेंगे, एक शिमला मिर्च हमने ली थी बड़ी साइज की, शिमला मिर्च इसमें डाला। ये हरी प्याज इसमें डाल देंगे और कुछ ग्रेवी के लिए रखेंगे। कुटी हुई 1/4 टीस्पून काली मिर्च है, इसको डाल दिए। और दो चिली है जिसको हमने बारीक काट लिया है, इसको डालेंगे। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा से 1/4 रेड चिली पेस्ट। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, दो चम्मच डाला, और इसमें डालेंगे मैदा। अब इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, उस हिसाब से मैदा और कॉर्नफ्लोर इसमें मिलाना है जब हमारी अच्छी से बाइंडिंग हो जाए। और नमक डाल देंगे इसमें, ये नमक डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और देखेंगे कि हमारी बाइंडिंग अच्छी से हो रही, तब फिर फ्राई करेंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी, पैन हमारा चढ़ा हुआ है, इसमें हमने तेल डाल दिया, तेल हो गया है। अब इसकी हम बॉल बनाएंगे, मंचूरियन की बॉल बना के इसमें हम डालेंगे। इसमें आप सब्जी अपने हिसाब से भी डाल सकती हैं, बीन्स डाल सकती हैं, हमने ये सब डाला है। और ये देखिए, ये बॉल हमारी बन गई इसी तरह से। ये अब इसको हम तेल में डालेंगे और सब बॉल बना करके डाल के फ्राई करेंगे। ये बॉल हो रही है, इसको हमने ये हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। ये फ्राई हो गया, देखिए बॉल कितनी गोल्डन ब्राउन है। इस तरह से ब्राउन हमें जो है फ्राई करना है। अब इसको हम निकाल ले रहे हैं। ग्रेवी बनाने के लिए ये हमने तेल लिया। अब इसमें हम एक मीडियम प्याज हमने काटी है, इसको डालेंगे, थोड़ा इसको चलाते हैं। और जब हम अपना वो बना रहे थे, मिक्सर बना रहे थे, तो उसमें हमको ये देखना है कि जितना हम कॉर्नफ्लोर लेंगे उतना ही हम मैदा लेंगे, बराबर ही क्वांटिटी में हमें लेना है। अभी प्याज हो रही है, इसको थोड़ा सा हम अभी एक दो मिनट तक पकाते हैं, तब और दूसरी सब्जियां इसमें डालेंगे। ये प्याज थोड़ी सी हमने सॉटे कर लिए। अब इसमें हम स्प्रिंग अनियन डालेंगे और शिमला मिर्च। हमने दो छोटी साइज की शिमला मिर्च ली थी, एक इसमें हमने डाली और एक इसमें डाल दिए। ये सारी सब्जियों को हमने थोड़ा सा सॉटे कर लिया। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसमें डालेंगे नमक भी डालना है। इसमें हम रेड चिली पेस्ट डालेंगे, हमने आधा चम्मच डाला है, आप अपने हिसाब से बहुत जैसे कड़वा और कम कड़वा खाना है उस हिसाब से डाल लीजिएगा। और नमक की दवा कितने भी पड़ा हुआ है और इसमें भी नमक डालेंगे, उसी हिसाब से डाल देंगे नमक।
अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच हमने ग्रीन चिली, इसमें डालें एक चम्मच सोया सॉस, सोया सॉस और दो चम्मच इसमें हम टोमेटो सॉस डालेंगे। और एक चम्मच हमने कान फ्लोर लिया है, ये एक चम्मच हमने कान फ्लोर लिया, इसमें पानी डालेंगे, घोल बना के इसमें डालेंगे। ये देखिए ये हो गया। अब इसमें एक कप ये एक प्याली पानी हमने कान एक चम्मच कान फ्लोर मिला के डाला। अब इसकी जैसे रिक्वायर्ड हो, जैसे आपको ज्यादा और ज्यादा वो खाना हो तो उस हिसाब से और ज्यादा बढ़ा लीजिएगा, ग्रेवी और ज्यादा करनी हो। हमने तो इतना रखा है इसको, अब इसको हम थोड़ा से एक मिनट पकने देंगे, उसके बाद में इसमें बॉल डालेंगे। अब देखिए इसमें बबल्स ऊपर आ गए हैं, अब ये पक गया है। बहुत देर तक पकाएंगे बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। हमने एक से डेढ़ मिनट पकाया, उसके बाद में ये बबल आ गए स्लो पे है कि, और इसमें अब हम इसको डालेंगे। और ये इसको ऐसे मिला देंगे, बस बहुत पकाना नहीं है, बस जरा से इसको थोड़ा से पका के बस बंद कर देना है। एक मिनट बहुत ज्यादा, एक मिनट बस इसको पका के हमें बंद कर देना है। अब देखिए डिलीशियस मंचूरियन विद ग्रेवी तैयार है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। मंचूरियन अब तैयार है और इसको हमने डिश आउट कर दिया, वेज मंचूरियन विद ग्रेवी। इसको आप लोग ट्राई करिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलते हैं। जब तक के लिए गुड बाय।